दोस्तों एप्लीकेशन बनवाने के बाद अगर हमारा सबसे ज्यादा एक्सपेंस जाता है तो वो होता है सर्वर, जहाँ पे हम सारा डेटा स्टोर करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको गूगल की APIs के बारे में बताऊंगा, जिससे कि आप अपने सर्वर कॉस्ट को रिड्यूस कर पाओगे और बहुत ज्यादा रिड्यूस कर पाओगे। जबकि गूगल की इतनी सारी APIs फ्री हैं, फिर भी अगर हम खुद से कोडिंग करके या एक्स्ट्रा थर्ड पार्टी API लगा के या स्टोरेज बाय करें, सर्वर बाय करें, कोई मतलब नहीं बनता है। ये टेक्निकल नॉलेज आपके पास होनी चाहिए अगर आप खुद का एप्लीकेशन डेवलप करने जा रहे हो। वहां पे आप बहुत ज्यादा अपना सर्वर का कॉस्ट रिड्यूस कर पाओगे, मेंटेनेंस कम आएगा आपके एप्लीकेशन का और बहुत स्मूथ चलेगा, क्योंकि ये सारी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब गूगल मेंटेन करता है ये सारी API को, तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐप से रिलेटेड टेक्निकल नॉलेज, सर्वर से रिलेटेड, गूगल API से रिलेटेड और एप्लीकेशन डेवलपमेंट कॉस्ट से बहुत सारे चीजें से रिलेटेड आपको मेरे इस चैनल पे नॉलेज मिलता रहता है। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक एंटरटेनमेंट ऐप बना रहे हो या फिर एक एजुकेशनल ऐप बना रहे हो जहां पे आपके कंटेंट्स जो है वो वीडियो फॉर्मेट में है, ठीक है। अब वो सारे कंटेंट्स को अगर आप होस्ट करोगे किसी होस्टिंग पे या सर्वर पे, तो वहाँ पे आपको पता है कि कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें आपका वीडियो होस्ट हो रहा हो, आपका कंटेंट वीडियो फॉर्मेट में है, वहाँ पे स्टोरेज चार्जेस बहुत आते हैं, यानी होस्टिंग के चार्जेस, VPS होस्टिंग हो सर्वर, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आपके यूज़र कम है तब तो ठीक ही है, लेकिन अगर ज़्यादा हैं तो बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा सर्वर कंज्यूम करता है, एक टाइम पे एक्टिव एक साथ यूज़र्स बहुत ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, अगर आपके वो चाहे एजुकेशनल वीडियो हो या सर्वर पे आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड वीडियो हो, तो बहुत ज़्यादा सर्वर कॉस्ट आता है और उसको मेंटेन करना बहुत हार्ड रहता है। अगर आप अपने एप्लीकेशन को फ्री रख रहे हो तब तो बाबा जेब से आपके बहुत ज़्यादा पैसा जाने वाला है। उस कंडीशन में आप गूगल की YouTube API, YouTube आपको पता है गूगल का ही है, तो YouTube की API का यूज करो, जिसके थ्रू आपको फायदा ये मिलेगा कि आपके सारे वीडियोस होस्ट तो होंगे YouTube पे, YouTube के जो ऑडियंस है उनके लिए प्राइवेट रहने वाला है और आपके जो एप्लीकेशन के जो यूजर्स हैं सिर्फ वो उनको ही विजिबल होगा। इसके लिए थोड़ा सा कोडिंग स्किल लगेगा, आप अपने डेवलपर को समझाइए और YouTube की API का यूज कीजिए, जिससे कि आपका सर्वर कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों मेरा नेक्स्ट जो गूगल की APIs है उसकी तरफ। अब देखो क्या होता है दोस्तों, हमें OTPs वगैरह के लिए भी बहुत थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, DLT रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और भी बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। अगर आपके फोन में ऑथेंटिकेशन यानी कि यूजर को आप वेरीफाइड करा के ले रहे हो तो OTP का यूज होता है, समटाइम फॉरगेट पासवर्ड के लिए भी होता है। यहां पे आप गूगल का ही फायरबेस का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो फायरबेस में क्या है कि फायरबेस के बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनका एप्लीकेशन हम लोग डेली लाइफ के जो भी ऐप डेवलप करते हैं उसमें यूज करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा फायरबेस का फंक्शन है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन के लिए फायरबेस ऑलमोस्ट बहुत सारे डेवलपर्स यूज करते हैं क्योंकि वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दूसरा आप चाहो तो अगर आपका आप बिगनर स्टेज पे हो, आपका एप्लीकेशन अभी लॉन्च आपने नहीं किया है, टेस्टिंग पर्पज के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, तो वहां पे भी आप फायरबेस के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे उनकी क्लाउड स्टोरेज का यूज कर सकते हो, उसके बाद में आप उनका API वगैरह चेक करने के लिए इन सब का भी यूज कर सकते हो, कोड को भी वहां पे आप स्टोर कर सकते हो, आपके जो लॉजिक्स हैं उनको भी आप वहां पे स्टोर कर सकते हो। OTP के लिए यूज किया जाता है स्टार्टिंग के टेस्टिंग पीरियड में, तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इनके पेड प्लान भी हैं, बट पेड प्लान मुझे नहीं लगता, अगर आप सच में उसके ऊपर डिपेंड रहना चाहते हो तो आप पेड प्लान लो, बट स्टार्टिंग के लिए ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें इसमें फ्री मिल जाती है। स्टोरेज बस पेड है, बट स्टार्टिंग स्टोरेज भी आपको फ्री मिल ही जा रहा है, तो ठीक है। OTP स्टार्टिंग में 10,000 आपको फ्री मिल जा रहे हैं, नोटिफिकेशन तो आप जितना चाहे उतना भेज सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों गूगल के और भी एक्स्ट्रा जो APIs है जो आपको मिलती है, या फिर मेरा थर्ड पॉइंट कह लो आप, गूगल की मैप API की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या होता है कि आपके एप्लीकेशन में अगर आपने कैब बुकिंग ऐप बनाया है या फिर ई कॉमर्स का ऐप बनाया है, वहां पे डिलीवरी बॉय को भी मैप की जरूरत पड़ती है, या फिर अगर आपने ओला टाइप ऐप बनाया है कैब बुकिंग का, वहां पे भी मैप की जरूरत पड़ती है। उस कंडीशन में जाहिर सी बात है, या तो आप अगर iOS के लिए बना रहे हो तो एप्पल के जो मैप्स उनका API का यूज करो, एंड्रॉइड के लिए बना रहे हो तो गूगल मैप की API का यूज करो, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट है एक लिमिट तक, बाद में ये पेड हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों गूगल के क्लाउड स्टोरेज API की तरफ, ठीक है। अब देखो क्या है दोस्तों, मान के चलो कि आपका एप्लीकेशन तो आप डेवलप खुद ही कर रहे हो या डेवलप करा भी रहे हो, तो स्टार्टिंग में एक दो महीने आपका मेंटेनेंस ना आए, दो तीन महीने कह लो स्टार्टिंग की, क्योंकि कम यूजर्स रहते हैं और फ्री में हमारा अगर पैसा जा रहा है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। उस कंडीशन में आप गूगल क्लाउड स्टोरेज का यूज कर लो, स्टार्टिंग में $300 क्रेडिट फ्री देता है ये, इससे ये समझ में आ जाता है, मतलब आप ये मान के चलो कि 3-4 महीने तक आपका सर्वर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं दोस्तों हमारा बहुत ही एक्साइटिंग और इंपॉर्टेंट API जो कि हर लगभग एप्लीकेशन में यूज आप कर सकते हो, बस इसमें आपका जो डेवलपर है उसको थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब क्या होता है, मान के चलो आपका
आपका न्यूज एप्लीकेशन है या ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आपका जो कंटेंट है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में है या फिर इमेज फॉर्मेट में है, ठीक है, उस कंडीशन में आप ब्लॉगर की एपीआई का यूज कर सकते हो। समझ रहे हो, ब्लॉगर भी गूगल का ही है, तो ब्लॉगर की एपीआई का यूज करके आप टेक्स्ट और इमेज के जैसे न्यूज एप्लीकेशन हो गया या फिर नोट्स एप्लीकेशन हो गए या फिर ऐसे एप्लीकेशन जहां पे आपका डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट में है, ऐसा बहुत जगह होता है, ये आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ेगा। आप ब्लॉगर की एपीआई का यूज करके भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सर्वर का पैसा पूरा बच गया यहां पे आपका और भी हमेशा के लिए, तो ब्लॉगर की एपीआई का यूज करके भी आप अपने एप्लीकेशन में इसका एपीआई इंप्लीमेंट करके बहुत अच्छा एप्लीकेशन बना के मार्केट में लॉन्च कर सकते हो और विदाउट मेंटेनेंस अच्छा खासा आप इसको रन कर सकते हो। आई होप आपको गूगल की फ्री एपीआई के बारे में समझ में आ गया है, नॉलेज मिल गया है, तो प्लीज अगर आपको मिल गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, नहीं मिला तो मुझे कमेंट करके बताओ कहां पे मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूं, मेरे नेक्स्ट वीडियो में जरूर से इंप्रूव करूंगा मैं, और जरूर आपका कमेंट और लाइक मेरे लिए, क्योंकि मेरे नेक्स्ट वीडियोस में जब भी अपलोड करता हूं तो आपके कमेंट्स भी देखता हूं मैं, लाइक्स तो हमेशा देखता रहता हूं, वो कोई भी देखता है ना, तो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।